अब की बार 400 पार की तैयारी में जुटी बीजेपी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। इसमें आपको बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में किसका टिकट पक्का हो गया है और किसका टिकट कटने वाला है, अंदर खाने से क्या खबर निकल कर आ रही है, आइए आपको बताते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 75 साल से ऊपर के नेताओं को चुनाव न लड़ाने का जो बैरियर लगाया था, अब उसको हटा दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए हैं। अगर उन्हें 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत समझी गई तो 75 प्लस वाला कोई बैरियर नहीं रहेगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहली बड़ी खबर यही है कि अब बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल वाले नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार 75 साल के उम्र से ज्यादा के कई नेताओं को टिकट मिल सकता है। दूसरी खबर बड़े दिग्गजों के टिकट को लेकर है। अब सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी भोपाल से उतार सकती है। अब मतलब साफ है, साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस बार बीजेपी मौका दे सकती है, लेकिन गुना से नहीं, किसी और सीट से। अब यूपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से, राजनाथ सिंह लखनऊ से उतरेंगे, वीके सिंह को फिर गाजियाबाद से टिकट मिल सकता है, लेकिन प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का पत्ता साफ हो सकता है। रायबरेली से इस बार चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को यहां से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में हो सकती हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो इस बार 14 से 15 कैंडिडेट्स के टिकट काटे जा सकते हैं और बीजेपी वहां नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिल सकता है। देश में आम चुनाव का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। मई के आखिर तक सरकार का गठन होना है और इसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। पहली लिस्ट में करीब 150 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के मंथन का लब्बो लुआब यही है कि 400 सीटें कैसे आएंगी, इसे लेकर बीजेपी अब एक एक सीट को लेकर समीकरण बनाने में जुट गई है। बीती रात पीएम आवास पर पहली बैठक हुई, इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। हालांकि इस बैठक से क्या निकला इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसका गुना गणित हमने आपके सामने रख दिया है। मार्च महीना शुरू हो गया है और आप भी तैयार हो जाइए सियासी घमासान के लिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी मतदान के लिए। बस एक दो दिन का इंतजार कीजिए, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने ही वाली है। बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ ही विपक्ष के सामने चुनौती होगी कि वो मोदी मैजिक का कार्ड कैसे ढूंढे। हम आपको दिलचस्प मुकाबले के बारे में सबसे पहले पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।